बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आज डेट शीट ओपन हो जाएगी या फिर नहीं, और डेट शीट अगर ओपन हो जाती है तो आपने किस तरह से उसको बनाना है और क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताते चलूँ, इस चैनल के ऊपर आपने फाइनल टर्म के जो पेपर्स हैं वो अगर देखने हैं तो यहाँ से प्ले लिस्ट में आएँ, और उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल टर्म करंट पेपर्स, और ठीक है, तो यहाँ पर सारे आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो यहाँ पे शेयर हुए हैं, आप यहाँ से ये पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर किए हैं, एमसीक्यूज़ भी शेयर किए हैं, आप इनसे अपनी जो है ना फाइनल टर्म की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने डेट शीट किस तरह से बनानी है तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियोज़ बताई गई हैं इसके अंदर बताया गया है कि आपने डेट शीट किस तरह से बनानी है और डेट शीट में किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से भी देख लेना है वीडियो को। ठीक है, और इसके अलावा किस तरह से आपने अपना तैयारी को लेके चलना है इसकी भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। फाइनल टर्म में फुल नंबर किस तरह से लेने हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद आपको बताता चलूँ कि आज मंडे है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आज डेट शीट ओपन हो जाएगी, और डेट शीट जैसे ही ओपन होती है तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि अभी से डेट शीट बना लें, और जैसे ही डेट शीट आप अपने पास रफ बना लेते हैं तो जैसे ही लिंक ओपन होगा फ़ौरन से आपने उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी सेंटर रखना होगा और बाकी चीज़ों को आपने देखना होगा वो सारी चीज़ें आप अभी से मैनेज कर लें, ताकि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट वाला जो सीन है वहाँ से आप अपनी सीट कंफर्म कर सकें, रिज़र्व कर सकें। क्योंकि फिर आपके कैंपस जहाँ से आपने कोई भी पेपर देने होते हैं अगर वहाँ पे सीट्स फुल हो जाती हैं तो फिर आप वहाँ पे पेपर नहीं दे सकते, तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी से रफ में बना के अपने पास रख लें, और जैसे ही लिंक ओपन हो आप फ़ौरन से जो है ना अपना डेट शीट बना लेंगे, तो इस तरह से आपको मसला नहीं आएगा, और फिर इस तरह से आप इजीली जो है ना अपना मैनेज भी कर लेंगे, टाइम भी मैनेज कर लेंगे, तो लेट नहीं करनी। अगर लेट करेंगे तो फिर आपको किसी दूसरे कैंपस में जाना पड़ेगा जो कि आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इवन दो बहुत सारे स्टूडेंट को फिर दूसरे सिटी भी जाना पड़ता है, तो आपने इतनी मेहनत की हुई है और एंड पे जाके इनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं, पेपर नहीं दे पाते, फिर उनको एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट पेपर रह जाते हैं तो उसके बाद पेपर देते हैं तो उसमें फिर कुछ स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप डेट शीट टाइमली बना लें और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लें, अपना जो जहाँ से आपने इंटर्नशिप अपना करना है डेट शीट पेपर देने वहाँ पे बना लें। तो ऑप्सो की जैसे ही लिंक ओपन होगा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगा, वीडियो प्रॉपरली बनाऊँगा, तो अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।